क्या किया जाए आज? कहां तक हम लोग कर लिए थे? फंक्शन चल रहा था। यस सर। प्रोटोटाइप पे बात रुकी हुई थी। यस सर, बोले थे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तो संख्या कम है, यस सर, बहुत कम है। संख्या कम है। तो जैसा आप कहिए, आप जो बोलिएगा आप वही होगा। तो चीज है कि कुछ आप अपने मन अनुसार पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, कुछ रिवाइज करा लीजिए। दूसरा चीज है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ा लीजिए, जैसा आप कहिए। सर रोहित रिवीजन कुमार करवा है, दीजिए। विष्णु शर्मा रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। तो बोलो, तुम ही बताओ क्या क्या कौन सा टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है। सर फंक्शन से सर, प्री डिफाइंड फंक्शन में सर अगर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन और हो तो सर बता दीजिए। प्री डिफाइंड में तो आगे मिलेगा, वो तो मिलता रहेगा ना आगे। टॉपिक जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग को मिलता जाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, फंक्शन का प्रोग्रामिंग में रोल जो है वो समझ में आ गया, क्या रोल है, यस सर। क्या रोल है, क्यों फंक्शन को हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ताकि प्रोग्राम को हम एक रिड्यूस मॉडुलर लाइन ऑफ, अप्रोच दे सके, ठीक यस सर। है, एक मॉडुलर अप्रोच दे सके। मॉडुलर अप्रोच का सेंस यहाँ पे ये होता है कि एक मॉड्यूल को छोटे छोटे टुकड़े यानी सब मॉड्यूल में डिवाइड कर सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच। क्लियर? अगर सिर्फ एक ही चीज रहता, हम कोई उसका डिवीजन नहीं करते हैं, तो उस अप्रोच को हम लोग मॉड्यूलर नहीं बोलते, उसको हम लोग लीनियर अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर अप्रोच। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वहां करते रहिएगा, जो जो समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं कि मॉड्यूलर अप्रोच का क्या मतलब है। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्राम, एक प्रोसेस को छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकें, ऐसी फैसिलिटी आपको मिले। आपको ऐसी फैसिलिटी मिले कि एक प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में आप डिवाइड कर सकें। एक ऐसी फैसिलिटी मिले कि एक मॉड्यूल को आप छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड कर सकें। ऐसी फैसिलिटी को आप लोग मॉड्यूलर अप्रोच कहेंगे। जहां पे ये अप्रोच नहीं मिलता है, शुरुआती दौर पे नहीं मिलता था, तो उस अप्रोच को कहा गया लीनियर अप्रोच, ठीक है। जहां पे कोई मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं है, बस एक ही प्रोग्राम है, जो है सो वही एक है, ठीक है। आप चाहे एक काम करें या 1,000 काम करें, उस जो भी करना है सो एक ही में करना है, ठीक है। अगर काम का रिपीटेशन है तो चीजों कोड, सर्टेन कोड को ही बार बार आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को लीनियर बोला गया, ठीक है। इसमें कई खामियां थी, इस खामियों को दूर करने के लिए एक नया अप्रोच लाया गया, दैट अप्रोच इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर अप्रोच। क्लियर? यस सर, ठीक। यस सर। तो मॉड्यूल को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना। अब ये कितना टुकड़ा होगा ये डिपेंड करता है हमारा काम कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि तीन बना दिए, तीन ही क्यों सर, पांच क्यों नहीं, पांच भी हो सकता है, दस क्यों नहीं, दस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम काम किस तरह का कर रहे हैं और उस काम में किस किस तरह के ऑपरेशंस हैं और किन किन ऑपरेशंस को मल्टी टाइम्स या सिंगल टाइम्स हमें यूज करने हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक। यस सर। अब जैसे ये सब समझाए थे कि अगर हम लीनियर अप्रोच को लेके आगे बढ़े, लीनियर अप्रोच, तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन का मान लीजिए कुछ कोड है, सब्ट्रैक्शन का कुछ कोड है, तो लीनियर अप्रोच में कहता है कि एक बार हम एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाते हैं तो हम पीछे नहीं जाते हैं। तो सर सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर से हमको एडिशन करना है, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आगे बढ़ गए, पीछे तो जा नहीं सकते हैं। तो जो कोड आपने एडिशन के लिए पहले लिख दिया था वही दोबारा लिखिए,
ठीक है, तो सर ऐसे करेंगे तो डुप्लीकेट ही होता जाएगा ना, तो कहता है कि हाँ होगा, यही तो लीनियर में होता था। ठीक है, तो कैसे इस चीज को, कैसे इस डुप्लीकेसी रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट करेंगे, तो कहता है कि मॉड्यूलर अप्रोच के जरिए। अब क्या हो गया कि हम एक मॉड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर तीन सब मॉड्यूल होंगे, तीनों सेपरेटेड होंगे, सेपरेटली डिफाइंड होंगे। उसमें एक मेरा मेन मॉड्यूल होगा, जिसको यूज करना है उसको कॉल करता रहेगा, ठीक है, वो यूज होता रहेगा, जिसको कॉल करना है वो कॉल करता रहेगा, वो यूज होता रहेगा। एक ही चीज को आप एक बार भी यूज कर सकते हैं, 100 बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसके कोड को दोबारा रीराइट किए हुए। तो रिडंडेंसी डुप्लीकेसी बच 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 गया आपका यहाँ पे। सेपरेटली डिफाइंड है इसलिए मॉडिफिकेशन आसान हो गया, ठीक है, यहाँ तो सब कंबाइंड है, सब में स्ट्रेस लेके पढ़ना होगा, यहाँ सब सेपरेटेड है, अगर एडिशन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ एडिशन को हम चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का काम होता रहे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके यस सर, यस सर। अब इस मॉड्यूल को जो सब मॉड्यूल में हम डिवाइड करते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली तो हम सब मॉड्यूल बोल देंगे, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली इसको दो कंसेप्ट में जाना जाता है, एक है प्रोसीजर और दूसरा है फंक्शन, ठीक है, और हमें सी में इसी में से एक को सीखना है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, क्योंकि सी जो है प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो क्या है फंक्शन, अगर ये सब मॉड्यूल, तो सर सब मॉड्यूल है, फंक्शन सब मॉड्यूल है, तो अगर एक मॉड्यूल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो सब मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर एक गाय के चार पैर होते हैं तो गाय के बछड़े के भी कितने पैर होंगे? चार पैर होंगे, ठीक है, ओके। साइज का अंतर होगा, उसका वजन 100 किलो होगा तो इसका वजन 10 किलो होगा, ये हो सकता है, पर डेफिनेशन तो वही रहेगा। तो सिमिलरली फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद इन प्रोग्राम, ठीक है। इफ यू वांट, यहाँ पे एवरी वर्ड लग गया है, इफ यू वांट टू यूज अ फंक्शन देन यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन, ठीक है। कहता है कि अगर आपने एक बार फंक्शन बना लिया है, ठीक है, और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको कॉल कर लीजिए, क्या कीजिए, कॉल कॉल, ठीक है। देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन इज दैट इट रिटर्न्स अ वैल्यू, कहता है कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जिनको आप किसी खास काम के लिए बनाए हैं और जिनको यूज करने के लिए आप कॉल कर रहे हैं, कॉल तो कीजिएगा, वो अपना खास काम भी पूरा करेगा, लेकिन खास काम पूरा करने के बाद वो एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो रिजल्ट होगा, जो सामान्यता क्या होगा, रिजल्ट होगा, मोटो होगा उस फंक्शन का। पॉइंट क्लियर, ये इसका स्पेशल बिहेवियर है, क्लियर? यस सर। फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, फंक्शन हम बना लिए तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो कहता है कि हर फंक्शन जिसको आप यूज करना चाहते हैं उसको आपको कॉल करना होगा, क्या करना होगा, कॉल करना होगा, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई है तो मेन के अंदर इन तीनों को आपने क्या किया, कॉल किया, क्या किया, कॉल किया, call. हर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगा कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब है कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं सर, बिल्ट इन को लाइब्रेरी या प्रीडिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है, तो दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, UDF। मेनली जो हमारा चैप्टर है वो UDF पे बेस्ड है, हम जो फंक्शन सीख रहे हैं वो किस पे है, वो किस पे बेस्ड है, UDF पे, यूजर डिफाइंड। पर एक कॉमन टॉपिक जब उठाते हैं तो दोनों की बातें करनी होती है, ठीक है, तो हमको अभी फिलहाल दोनों की बातें करनी होगी। तो बिल्ट इन का मतलब है ऐसे फंक्शंस जो लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी हेडर फाइल के अंतर्गत, ठीक। और ये बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं ये जरूरी होते हैं हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए, क्लियर,
अच्छा सर, जैसे STDIO में आपका printf scan है, puts gets है, Unio में CLRSCR है, string में STRC, सब हमको प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। अगर इनका इस्तेमाल ना करें तो शायद प्रोग्राम हम ना भी बना पाए, कैसे करेंगे? क्लियर? तो हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने में इन बिल्ट इन फंक्शन की जरूरत होती है। ओके, ये हमारे प्रोग्राम के डेवलपमेंट के अनुसार ही इसको सोच के बनाया गया है बिल्ट इन। ठीक है, हमारे हर काम को सोच के नहीं बनाया गया, बल्कि हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंतर्गत किन किन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन बेसिक रिक्वायरमेंट को सोचते हुए ही बिल्ट इन फंक्शंस बनाए गए हैं और उनको अलग अलग हेडर फाइल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक सर, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कहेंगे? ये भी फंक्शन है, लेकिन अंतर ये है कि ये बिल्ट इन नहीं है, ये यूजर के द्वारा बनाया गया है। तो the function which is created by user within program for a specific purpose called user defined function. Clear? Yes sir. ठीक है, ये क्वेश्चन है विष्णु शर्मा का, वो चुप हो गया है। Yes sir, देख रहे सर। ठीक, okay. अब function चाहे C के C company ने बना के दिया है या function हमें बनाना हो, तरीका तो दोनों का सेम ही ना होगा। अरे अभी मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर पर बैठ के फंक्शन बना रहे हैं, अब यही अगर AT&T बेल स्लैब में बैठ गए हम बना दे तो सी का बन जाएगा ना? यस सर। तो कहता है कि चाहे आप जो भी बनाए, सिंटेक्स तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता होगा। कहते हैं हाँ, तो क्या है सिंटेक्स? क्योंकि सिंटेक्स नहीं जानेंगे तो UDF तो बना नहीं पाएंगे सर। तो किसी भी फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि उस फंक्शन में एक रिटर्न टाइप होता है, जैसा कि उसके प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया कि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और साथ साथ उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, जिसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? फंक्शन का नेम वही वेरिएबल के नेम पे आधारित है, जैसे वेरिएबल का नेम का रूल है वैसे ही फंक्शन के नेम का भी रूल होगा। ठीक है, 31 कैरेक्टर मैक्सिमम इसमें भी हम ले सकते हैं, सेम रूल अप्लाई करेंगे जो वेरिएबल का था, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, डिजिट अलाउड है लेकिन और कोई दूसरा सिंबल उसमें अलाउड नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, ये रूल है। अब इसको वन बाय वन अगर हमको समझना है कि कौन क्या है, तो रिटर्न टाइप क्या है, तो कहता है कि दिस पोजीशन रेफर्स, ये पोजीशन एक डेटा टाइप को रेफर करता है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक डेटा टाइप, चाहे वो इंट हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैर हो, चाहे वो वॉइड हो। ठीक है, एक डेटा टाइप देंगे और जैसा डेटा टाइप देंगे इसका मतलब कि हमें श्योर करना है कि फंक्शन उसी तरह का वैल्यू, उसी टाइप का वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इट मींस फंक्शन विल रिटर्न द सर्टेन टाइप। और अगर वॉइड दे रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहता। ठीक है, फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर है, ठीक है, वेरिएबल की तरह यूज करना है, वो बता ही दिए, 31 कैरेक्टर मैक्सिमम आप इसमें जा सकते हैं। पैरामीटर्स क्या है, तो कहता है कि पैरामीटर्स जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स विथ स्पेसिफिक टाइप। ठीक, तो सर क्यों लिखेंगे वहां पे? तो कहता है कि ये जो पैरामीटर्स फंक्शन के साथ लिखे जाते हैं, ये वैल्यू को एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है। तो सर कहां से? तो जहां से इस फंक्शन को यूज किया जाता है, कॉल किया जाता है। जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, कॉल करेंगे और वहां से जो वैल्यू हम ब्रैकेट में देंगे वो वैल्यू ये रिसीव करेंगे और रिसीव करके उस वैल्यू पे, ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएट फंक्शन है या ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो पैरामीटर्स आर द वेरिएबल विद डेटा टाइप दैट डिटरमाइंस द फंक्शन विल एक्सेप्ट और रिसीव द सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर इट इज यूज्ड और कॉल। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन है इंट एक्स है, इंट वाई है, मतलब कि दो इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल रिसीव करेगा, वैल्यू रिसीव करेगा। ये इंट एक्स है, ये फ्लोट वाई है, मतलब ये दो वैल्यू रिसीव करेगा, लेकिन पहला जो होगा वो इंट होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, फ्लोट होगा।
इस तरह से नंबर ऑफ पैरामीटर हम मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकते हैं, 225 225। तो सर मान लीजिए 500 वैल्यू पे काम करना है तब क्या करना होगा? ठीक है, आप 225 तो बता दिए, 500 पे नहीं हो सकता है? कहता है बिल्कुल हो सकता है। तो वैसे केस में फंक्शन कहता है ना कि आपको पैरामीटर उतने बनाने की क्या जरूरत है, एक एरे ले लीजिए, कितना का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, एक ही पैरामीटर में 500 का एरे बना दीजिए, काम हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यानी मैक्सिमम लिमिटेशन भले इसको ये इतना दिया गया है, लेकिन जब बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप के, जब बहुत ज्यादा हमारे पास वैल्यू होंगे तो हम बजाय अलग अलग करने के बजाय हम क्यों ना एरे बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है तीन इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो उससे अच्छा एक ही पैरामीटर रखे, तीन का एरे बना दे, तब भी तो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, अरे हमको वैल्यू ही ना रिसीव करना है, ये दो अलग अलग वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं जो इंटीजर टाइप का, इसको हम एरे से भी रिसीव करा सकते हैं। तो कहता है कि इससे ज्यादा जब बढ़ना होगा तो आपको एरे के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, रिटर्न क्या है? तो रिटर्न प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट है जो सी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसी स्टेटमेंट के जरिए हम कोई भी वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है, कहाँ पे रिटर्न होता है? तो जहां से इसको यूज या कॉल किया जाता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट यूज फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, इट इज अ रिटर्निंग अ वैल्यू टू द फंक्शन फ्रॉम फंक्शन टू वेयर इट इज यूज्ड और कॉल। ठीक है, रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन के द्वारा एक वैल्यू रिटर्न किया जाता है टू वेयर इट इज यूज्ड और कॉल, जहां पे इसको यूज या कॉल किया गया है। ठीक है, अब रिटर्न लिखते समय हम कांस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर रिटर्न 10 लिखे तो सीधे 10 रिटर्न हो जा रहा है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 20 है और हमको ये 20 को रिटर्न करना है, तो रिटर्न 20 के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x भी लिख देंगे, तब भी 20 ही रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कॉन्स्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिटर्न के साथ। क्लियर? यस सर। ओके, सिर्फ दो चीज हमेशा ध्यान रखना है, रिटर्न करते समय जो रिटर्न वैल्यू है और जो रिटर्न टाइप है, दोनों एक साइज जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे 10.22 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फ्लोट। क्लियर? यस। कभी कभी फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसकी जगह पे वॉइड होता है, लेकिन फिर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी वैल्यू। ठीक है, तो उसका पर्पस ये होता है कि हम उस फंक्शन को फोर्सली टर्मिनेट करके वहां पहुंचना चाहते हैं जहां से इसको कॉल या यूज किया गया। ठीक है, जैसे इस केस में जब हम रिटर्न लिख रहे हैं जहां पर रिटर्न टाइप वॉइड है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि फोर्सली टर्मिनेट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को टर्मिनेट करके जहां पे है वहां पे वापस चला जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे एक मैंने पूछा था इसमें कि अगर मान लीजिए मेन बना रही है, फंक्शन है, ये मेन है, और मेन के अंदर इस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, तो किसको कॉलिंग फंक्शन कहेंगे, किसको कॉल्ड फंक्शन कहेंगे? तो जो रन के दौरान रहता है, ध्यान से समझिएगा, जो रन मोड में रहता है उसे कॉलिंग कहते हैं, और जो रन मोड में रहते हुए किसी और फंक्शन को कॉल करता है रन करने के लिए, उसे क्या कॉल्ड कहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले मेन ही ना रन करेगा, इसलिए कॉलिंग हो गया, और इसके अंदर हम fn को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? फंक्शन का काम पूरा हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट बेसिकली दो टर्मिनेट वर्ड है ना, जब पूरा काम खत्म हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो उसको एग्जिट ही कहेंगे। क्या कहेंगे?
एग्जिट यानी कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, वर्क डन, ठीक है। टर्मिनेट वर्ड है जनरली फोर्सफुली के लिए होता है, मतलब काम कर रहे हो रोक देंगे, बंद कर दो काम, नहीं मतलब काम और कुछ होना है लेकिन हम बंद करा दिए, तो ये सब थोड़ा सा वर्ड जो है वो वर्ड आता है टर्मिनेट। क्लियर? यस सर। ओके सर, कॉलिंग में मैं नहीं क्यों लिखेंगे सर? नहीं नहीं कोई भी हो सकता है, हम तो ये समझाने के लिए बोल रहे हैं ना, और भी तो समझाए थे, याद कीजिए। मान लीजिए FN बनाया है, ये FN1 बनाया है, ये मेन बनाया है, ठीक है। अब मेन के अंदर हम किसको कॉल कर रहे हैं? FN. तो जब सबसे पहले रन कराएंगे तो किसको फॉलो करेगा? मेन को, मेन को, यस सर। तो मेन हो गया कॉलिंग, ये हो गया कॉल्ड, यस सर। अब जब ये कॉल्ड हो गया तो ये फिर हो गया कॉलिंग, और ये हो गया FN, क्या हो गया? कॉल्ड। मान लीजिए और कुछ होता तो ये हो जाता कॉलिंग, और दूसरा क्या इसके अंदर वाला क्या हो जाता? कॉल्ड। ये चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। तो कॉलिंग फंक्शन इज द फंक्शन दैट यूजेस द UDF, कॉल्ड फंक्शन इज द फंक्शन दैट यूज्ड विद इन करंट रनिंग फंक्शन, जिसको हम कॉलिंग फंक्शन कह रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो ये था, उसके बाद बात आ गई थी वही प्रोटोटाइप पे, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा दिखाना है, इसके बाद टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच समझाना है, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन का रिवीजन था जो मैंने करा दिया, और बोलिए आगे बढ़े कि यहीं तक रहने दें कि कुछ और करें? यहीं तक रहने दीजिए। नहीं हमको मसुआया हुआ आवाज पसंद नहीं है, एकदम बोल्ड आवाज के साथ बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, मेरे कॉन्फिडेंस से आपका कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। रहने दीजिए सर स्टूडेंट का, मैंने तो नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे तो आपको दोबारा फिर बोलेगा बताने के लिए। यस सर। नहीं तो ये तो प्रश्नों का था, रिवीजन मैंने करा दिया है, आपके तरफ से अगर कुछ पूछने लायक है तो सर यहीं तक रहने दीजिए, ना आगे तो मैं यहीं तक रहने दूंगा, मैं यहीं तक रहने दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है और yes. कोई क्वेश्चन आपके पास फंसा पड़ा हो कि पूछ लेना है तो अच्छा विकल्प है पूछ के अपना, ठीक है। यानी पिछला तकरीबन जितने चीज है सब सब क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर, सारा क्लियर है। प्रोग्राम भी सब नहीं लेकिन करता है ना, एग्जाम जब होता है, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं तो भरोसा करके तो हर कॉपी को एक ही इसे देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कॉपी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो है वो खाली हूं करते हैं, ठीक है, लेकिन करते एक्चुअली में नहीं, ठीक है। तो PDF भेज दीजिएगा सर। वो तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके तो ये खेल है कुछ नहीं है, खेल सिंसियरिटी का है, पढ़ाई में एक सिंसियरिटी बना के रखिए, ठीक है, और जब तक बनाए रखिए जब तक आपका करियर जो है वो सेट ना हो जाए, हालांकि करियर सेट होने के बाद भी सिंसियरिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन तब जो है उसके बाद का मार्गदर्शन आप खुद से बना सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है कब क्या करना है, वो अपने आप आपको आइडियाज मिलते जाएगा, लेकिन जब तक आपका करियर सेट नहीं हो रहा है तब तक आपको पढ़ाई के प्रति सिंसियरिटी बना के रखनी होगी, और करियर से बढ़ के कुछ है नहीं, सीधा सीधी मोटा मोटी बात को समझ लीजिए, करियर ही सब कुछ है, ठीक है। एक सफल बच्चा ही सबको अच्छा लगता है, इवन माँ बाप को भी अच्छा लगता है, तो सफल मतलब करियर कहीं सेट हो जाना, कुछ कर लेना, ठीक है। ये कुछ में बहुत चीज शामिल है, मैंने कई बार कहा है, कुछ में आप जॉब भी कर लेते हैं तो भी करियर सेट माना जाता है, आप अपना कोई कंपनी खोलते हैं उसको भी करियर सेट माना जाता है, कुछ भी स्टेबल कर लेना अपने आप को, दैट इज द मीनिंग ऑफ करियर, ठीक है। तो सिंसियरिटी बना के रखिएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है,
पुराना इतिहास, ये हम थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे हैं, ना ही किसी ग्रंथ में पढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है। चूंकि हम ग्रंथ वाला बात बहुत कम करते हैं, ठीक है, ज्यादातर बात हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो 10-11 साल करीब हो गया यहाँ पे, आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन सीनियर्स को भी जब हम फॉलो अप करते हैं तो उनमें भी यही बातें झलक के आती है कि वो कहीं ना कहीं चीजों में सिंसियर थे, इसलिए उनका हो गया, आज करियर उनका सेट हो गया। तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलिए, तो फिर आज की सेवा यहीं पे रखते हैं और